तरफ से इन्हें हदायत आएगी, ये उस पर अमल दरामद करेंगे। हम आपको एक लेडी पुलिस कांस्टेबल से मिलवाते हैं जो, और उनसे पूछते हैं ये कितनी पुरअज़म है और ये इस लॉन्ग मार्च के मॉब को किस तरह कंट्रोल करेंगे अगर वो रेड जोन की तरफ जाते हैं। जी, अगर ये जो शुरका है लॉन्ग मार्च के, ये जाते हैं रेड जोन की तरफ, आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगी? सोटी के साथ। तो जी, अगर वो ज्यादा यहाँ पर हंगामा करेंगे, सोटी चलेगी तो काम बढ़ेगी। तो अगर वो तो पूरे तैयार है, उन्होंने बहुत तैयार हो ना, सोटी तो अभी अभी है। तो अगर वो आपको लगाओ, नहीं मुझे ना लगाएं, आप मुझे ये बताएं, अगर वो यहाँ पर लोग हंगामा करेंगे अभी खिलावा ना जी, अगर मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त पूरी ट्रेनिंग है आपकी? रेडी रेडी हूँ, सख्त बख्त तख्त। ओके। नहीं तो आप कहाँ पर, आप कहाँ पर तैनात हैं? आके पिंडी से ना। जी, आप लेडी पुलिस कांस्टेबल हैं, आप इस बारे में बताएं कि आपने आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, आप किस तरह परफॉर्म कर रही हैं? मैं सिविल बच्ची हूँ। नहीं, सिविल पुलिस वाला तो यूनिफॉर्म में होता है। ये देखे ना, ये क्या है, ये कौन सी मजदूर है, ये पंजाब पुलिस वाली थी निगरानी के लिए। नहीं तो आप तो सादा कपड़े पहने हैं, तो आप कैसे पुलिस वाला? शौकिया तो है ना, शौकिया शौकिया पुलिस बनने का शौक है। तो आपको किसने पूछा नहीं कि आपने पुलिस की टोपी पहनी है, पुलिस की स्टिक पकड़ी है, पुलिस का बैज लगाया है? ये जुर्म है। पूछे ना, पूछे पूछे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूछ लो। खबरें और भी हैं, आपको बताएंगे।